जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, जैसे इंग्लैंड में तख्ता बदल जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैडम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी आपको खुद ही यहाँ से एक इस्तीफा लिख करके जाना पड़ जाए। कि अगर कोई लड़का फॉर्म नहीं डाल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफलाइन के समर्थन में है, उसका मतलब ये होगा कि वह नोटा है, वह ना ऑनलाइन के पक्ष में है और ना ही ऑफलाइन के पक्ष में है और उसकी काउंट आप लोग नहीं करेंगे। बैठे हुए थे और उनके ऊपर बहुत सारी धाराओं से नवाजा गया है उनको और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यदि निर्णय जो भी आती है, निर्णय में हमारे मांग में ये भी। नमस्कार साथियों, मैं आपका हरि ओम तिवारी और हमारे साथ हमारे बड़े भाई आनंद सिंह राजपूत, साथ में हमारे बड़े भाई मयंक पांडे भैया। और साथियों, आज आने का हमारा सबसे विशेष मुद्दा है। विशेष मुद्दा लगभग 4 से 5 प्रकार की है। पहली मुद्दा ये है कि बहुत से छात्र ऑनलाइन जो पक्ष में एप्लीकेशंस पढ़ रही हैं उसको भरने में डर रहे हैं। डरने का कारण क्या है, हम आपको वो भी बताएंगे। दूसरा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक एप्लीकेशन जारी की गई है, एक ऐसी मतलब क्या कह सकते हैं उसको, वैलेट, एक पेपर जारी की गई है। उस पेपर पे क्या हो रहा है कि यहाँ के विश्वविद्यालय के जो स्टाफ है वे स्टाफ ले जा करके छात्रों से ऑनलाइन और ऑफलाइन के समक्ष में उस पर सिग्नेचर भी करा रहे हैं दबाव डाल करके। तीसरी चीज, इस बार अगर हमारी निर्णय इस एप्लीकेशन के पढ़ जाने के बाद नहीं आती है तो इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हम किसी भी स्टूडेंट से, रियलिटी कहें तो किसी भी स्टूडेंट से शांति का जो उपदेश होता है वह उम्मीद ना रखे। क्योंकि आप जिस तरह से लाठी चार्ज और जिस तरह से छात्रों को बिना किसी मतलब का धारा लगा करके अभी गिरफ्तार किए हुए हैं वह कहीं तक और किसी भी हद तक सही नहीं है। चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लाइब्रेरी से संबंधित है। तो चलिए मैं पहले स्टार्ट करता हूँ पहली टॉपिक से। पहली टॉपिक ये है कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के समक्ष में जो एप्लीकेशंस है वह भरने जा रहे हैं और भर भी रहे हैं, लेकिन बहुत से छात्र इस बात से डर रहे हैं कि कहीं अगर वे उस फॉर्म को भर रहे हैं तो उस पर एनरोलमेंट नंबर भी लिखना पड़ रहा है, साथ में आइडेंटिटी कार्ड भी देना पड़ रहा है। तो बहुत से छात्र इस बात में शंका अपने मन में बनाए हुए हैं कि कहीं उनका जो मार्क है वह रिजल्ट आने के बाद घटा ना दिया जाए, उन्हें फेल ना कर दिया जाए। तो साथियों, आप निश्चिंत रहिए क्योंकि यह लड़ाई हमारी है और इस लड़ाई में पूरी तरह से आप भागीदार भी बने रहिए। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसी घटिया और शर्मसार करने वाली फिर से कोई हरकत करेगी तो जैसे छात्र एकता आज हम दिखा रहे हैं उस समय भी दिखाने से कभी नहीं चुकेंगे। बस आप सभी का समर्थन और पूरी तरह से समर्थन चाहिए। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन अगर हमारी एप्लीकेशंस पढ़ जाने के बावजूद भी अगर वह नोटिस जारी नहीं करती है ऑनलाइन के समक्ष में, क्यों करेगी बता देते हैं। क्योंकि इन्होंने एक सूचना निकाला हुआ है कि अब अगली जो डिसीज़न होगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि जो अगली डिसीज़न होगी कि ऑनलाइन की ऑफलाइन, अब वो चीज़ हम छात्र ही डिपेंड करेंगे, हम छात्र ही उसको पूर्णतः निर्धारित करेंगे कि अब हम किस मूड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और साथियों, मैंने उस चीज़ को देखा है कि इसी प्रॉक्टर ऑफिस में इतनी हज़ारों की भीड़ आई हुई है और एक भी फॉर्म ऑफलाइन के समक्ष में नहीं था, सबके सब ऑनलाइन के समक्ष में गई है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि जो CMP डिग्री कॉलेज की जो एक वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो में ये दावा किया गया है कि लगभग 4,000 फॉर्म ऑनलाइन के समक्ष में अभी तक पढ़ चुके हैं। ये हम सबकी जीत है और ये जीत की उम्मीद है। दूसरी ओर ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की कल एक नोटिस जारी हुई थी, उस नोटिस में 2016 यानी कि लगभग 2,250 फॉर्म अभी तक ऑनलाइन के समक्ष में आ गई हैं। अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय ने, किसी भी डिग्री कॉलेज ने इस बात का दावा नहीं किया है कि एक भी ऑफलाइन फॉर्म आई हो। तो विश्वविद्यालय प्रशासन और उनके संगठित जितने भी कॉलेजों से मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई लड़का फॉर्म नहीं डाल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफलाइन के समर्थन में है,
उसका मतलब ये होगा कि वह नोटा है, वह ना ऑनलाइन के पक्ष में है और ना ही ऑफलाइन के पक्ष में है, और उसकी काउंट आप लोग नहीं करेंगे। जितने आपके रूल के अनुसार कि क्या आपको ऑनलाइन में देना है कि क्या ऑफलाइन में देना है, आपने ऐसी चीज नोटिस में लिख रखा है, तो उसी संदर्भ में आप नोटिस भी जारी करेंगे कि हमारे नोटिस के अनुसार केवल ऑनलाइन के पक्ष में ही फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा सबमिट हुए हैं, इसलिए हम इस बात का पूर्ण रूप से निर्धारित करते हैं कि आगामी परीक्षा ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी, और ऐसा होना भी चाहिए। अपने पैर से अगर विश्वविद्यालय इस बार हटी है, अपने बातों से इस बार हटी है, तो मैं बता दूं कि कहीं इतिहास के पन्नों में जो बातें दोहराई गई हैं, कहीं वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में भी ऐसे पन्ने हमारे भविष्य के लड़के लड़कों को पढ़ना ना पड़ जाए। आप सब समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तीसरी बात, विश्वविद्यालय प्रशासन इस वर्तमान समय में क्या कर रही है वो आपको बता देते हैं। कई ऐसे इन्होंने फॉर्म निकाल रखे हैं, कई ऐसे ये पेपर निकाल रखे हैं कि एक तरफ ऑनलाइन और दूसरे तरफ ऑफलाइन लिखा हुआ है। ये बात मुझे सापेक्ष एक इसी विश्वविद्यालय के कर्मचारी से पता चला है, और मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जिन्होंने भी मुझे इस बात को बताया, मुझे उनका धन्यवाद करता हूँ कि वे छात्रों के हित में वो भी कहीं ना कहीं कुछ चाहते हैं। और इस विश्वविद्यालय की नीति ऐसी है कि यहाँ पे कर्मचारी भी इस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों से खुश नहीं हैं, इसलिए हमें इन बातों को बताने में वो कभी झिझकते भी नहीं हैं। कई ऐसे इस विश्वविद्यालय में देखिए इतनी घटिया और शर्मसार करने वाली ये हरकत कर रहे हैं कि एक तरफ ये कहते हैं कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन के समक्ष में क्या करिए कि फॉर्म लेकर के आइए, हम उसके आधार पर आगामी परीक्षा का निर्णय करेंगे, और एक और इनकी घटियापन ये देखिए कि एक आ कर रहे हैं कि दूसरी तरफ जा करके एक वैलेट पेपर जारी कर रहे हैं, उस वैलेट पेपर पे एक तरफ ऑनलाइन और दूसरी तरफ ऑफलाइन लिख करके लड़कों पर दबाव बना करके वे उस पर ऑफलाइन का समर्थन लेना चाहते हैं। तो साथियों, मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई भी फॉर्म आपके पास ले करके जा रहा है तो सीधे उठाइए और फाड़ दीजिए। आपका विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी प्रकार से निलंबित या ब्लैक लिस्ट में अगर डाल देगी तो पूर्णतः मैं कह रहा हूँ कि उस स्टाफ पर और उस विश्वविद्यालय प्रशासन पर जैसे हमारे छात्र अभी तक लड़ रहे हैं, वह आपके लिए भी लड़ेंगे। ऐसा फिर से सुन लीजिए, कोई भी फॉर्म आपके पास जाती है तुरंत उठाइए और फाड़ करके बिक दीजिए, क्योंकि हम ऑनलाइन के समक्ष में हैं और ऑनलाइन ले करके रहेंगे। इस बात को मत भूलना कि कितने छात्र अनशन पर बैठे हुए थे, कितने छात्र अस्पताल में जाकर के भर्ती हो गए, किसके लिए? आपके लिए। और अगर ऐसा स्टाफ कोई करके कह रहा है कि आप ऑफलाइन का समर्थन करिए, तो नहीं करेंगे। हम छात्र एकता के लिए जीते हैं और हम छात्र एकता जिंदाबाद कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि केवल ऑनलाइन ऑनलाइन। तीसरी चीज़ बतानी थी जो कि हमारे आनंद जी बताएंगे, बताई हुई है। हमारी मांगों में ये भी सम्मिलित होना चाहिए कि जैसे हमारे जो भी भाई बैठे हुए थे और उनके ऊपर बहुत सारी धाराओं से नवाजा गया है उनको, और उन्हें गिरफ्तार किया गया है, यदि निर्णय जो भी आती है, निर्णय में हमारे मांग में ये भी शामिल है कि उनके ऊपर जितनी भी धाराएं 5 से 6 लगी हुई हैं, उन सब से उनको मुक्ति दिया जाए, ठीक है, और उन सबको बाइज्जत बरी किया जाए। उसके बाद से हमारी ऑनलाइन परीक्षा की जो मांग है उसे भी पूरी किया जाए, ठीक है, और आपको खुद ही यहाँ से एक इस्तीफा लिख करके जाना पड़ जाए। तो मैडम, ऐसा आप भी नहीं चाहेंगी, तो इसीलिए जो भी आगे का फैसला आएगा वो हमारे भविष्य के साथ होगा, और आप भी उम्मीद करेंगी कि आगे से हम छात्र जो भी करेंगे वो आपके हित में करेंगे, और तभी करेंगे जब आप हमारे हित में सोचेंगी। तो चलिए, सभी लोग ऑनलाइन के पक्ष में अपना एप्लीकेशन लिखिए। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।